ए आ चुका अजय है, होना तय विजय है। कतरा बोल रहा कैसी है अपनी जनता, उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी। तो काफी सारे लोंडों ने डिमांड की थी कि फौजी अजय पर एनालिसिस की जाए। सो गाइस, आपकी डिमांड सर आंखों पर। इस वीडियो में हम देखेंगे टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के कैप्टन कूल फौजी अजय के कुछ शानदार प्लेस। इसके बाद एनालिसिस करेंगे कि वो कौन से बेसिक पॉइंट्स थे जिनके बेस पर हमारे फौजी भाई ने ऐसी परफॉर्मेंस दी। लेकिन तुम्हें वीडियो को लास्ट तक देखना है और बताना है लास्ट में कि वीडियो कैसी लगी। और लोंडो, अगर तुम्हें कुछ खराब भी लगे तो बता दे करो यार कमेंट्स में, तभी ना तुम्हारा भाई इम्प्रूव करेगा। चलो तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब तुम मानो या मत मानो, बट माइंड बहुत बड़ी चीज है। अगर तुम्हारे दिमाग में गेम सेंस घुस गया ना एक बार, तो तुम भी ई स्पोर्ट्स में मचाने लगोगे। अब सीन क्या है कि लोग बैटल रॉयल गेम्स को देखते हैं इस पीओवी से कि गन होती है, मैप होता है, उतरो और मारो। ये कैजुअल गेम प्ले तक तो ठीक है, बट जब तुम ई स्पोर्ट्स में एंटर करते हो ना, तो चीजें बदल जाती हैं। ई स्पोर्ट्स में अपना 100% देने के लिए तुम्हें गेम की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। इसके अलावा गेम की सारी यूटिलिटीज को यूज करना भी आना चाहिए, चाहे वो ग्रेनेड्स हो, स्मोक्स हो या करेक्टर हो। अब कुछ लोंडे सिर्फ एक्सक्यूज देते हैं कि भाई हमारे पास क्रोनो नहीं है, हम कैसे खेलें। तो भाई कहां लिखा है कि क्रोनो से ही स्पोर्ट्स खेला जाता है। तुम्हारे पास जो भी करेक्टर है उसकी एबिलिटी यूज करना सीखो। वुकोंग तो होगा ही ना तुम्हारे पास, उसे यूज करो। और नहीं आता यूज करना तो इसे देखो। आगे जाना पड़ेगा एंड डबल डोर के अंदर अपने लिए जगह यहाँ पर बनाकर रखी गई। फिलहाल सामने एक प्लेयर रहने वाला है, फौजी अजय। क्या उनका शिकार कर पाए? आइकॉनिक एक मौका ढूंढ रहे फौजी अजय, एक मौका यहाँ पर ढूंढ रहे, क्या नॉक निकाल पाए। बट कहने के सर्वाइवल पूरा का पूरा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होने वाले। बट फौजी अजय ने वो दरवाजा ब्लॉक करके यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। एंड यूएफपी क्या किसी को धाराशाही करेगी, क्या किसी को नॉक करेगी, वो भी यहाँ पे एक सवाल होने वाला है। देखना पड़ेगा फौजी अजय यहाँ पे राइट साइड से आगे बढ़ते हुए यूएफपी का एक करारा प्रहार एंड वुकोंग की एबिलिटी यहाँ पे यूज की जाएगी। देखना पड़ेगा कौन से प्लेयर और अब यहाँ पे फौजी अजय के सामने आते हैं। गाइस टीम एलीट की बात की जाए तो टीम प्लेयर्स अलग होने वाले, बट टोटल गेमिंग की बात की जाए तो फौजी अजय एंड बाला ये जोड़ी क्या कुछ कमाल दिखाएगी, वो भी यहाँ पे एक सवाल होने वाला। फाइनली किलर अकेले बचेंगे फौजी अजय वर्सेस किलर, 1v1 का बैटल यहाँ पे चलता है। फौजी अजय ने पहला यहाँ पे राउंड अपने नाम कर लिया टीम एलीट के अगेंस्ट 1v4 क्लच। ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है, क्योंकि एलीट के चारों प्लेयर्स काफी स्किल्ड हैं। अब देखते हैं कैप्टन कूल ने इसे परफॉर्म किया कैसे। अब तुम देखोगे कि टीजी एक कंपाउंड के अंदर ब्लॉक थी, एलीट ने उन्हें घेर रखा था और डिलीट को भी नॉक फिनिश कर दिया। अब एक चीज नोटिस करने वाली है कि डिलीट के फिनिश होते ही फौजी अजय ने डिलीट की साइड वाला मोर्चा संभाला, जिससे उस साइड से पुश ना हो। तुम्हें पुश करने वाली टीम के लिए कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना है, सारे एंगल्स कवर करने हैं। दूसरी तरफ जब डिलीट के बंदे एक एक करके अंदर पुश करने लगे, तो फौजी भाई ने एक अकेले बंदे को बाहर ही नॉक किया, और जिस एंगल से नॉक किया उस एंगल पर कोई भी अपोजिट टीम का बंदा ट्रेड नहीं ले सकता था। और वैसे भी अंदर रहते हुए चार बंदों के बीच एक बंदे को भी नॉक करना काफी मुश्किल होता है, और एलीट की कंटिन्यूस फायर पावर आराम से टीजी के एक दो बंदे नॉक कर सकती थी। तो फौजी भाई ने क्लच करने की पहली कंडीशन को फुलफिल किया, जो थी अपने लिए थोड़ा रूम बनाना और एक एक करके बंदों पर ट्रेड लेना। ये बात तो छोटी सी है, पर समझो जरा, बस तुम्हें इतना करना है कि चारों बंदे एनिमी टीम के तुम पे एक साथ ना आ सके। तुम्हें बार बार रोटेट करते रहना है और एक एक बंदे को पेलना है। लास्ट में जब दो बंदे एलीट के बचे थे, तो बाला भाई तो डायरेक्ट घुस गए इतना क्लोज दो बंदों पर, लेकिन फौजी भाई ने कुछ डिस्टेंस बनाई और बाला भाई के दिए हुए डैमेज का भरपूर लाभ उठाया। सो आई होप कि तुम्हें क्लच को परफॉर्म करने का मैकेनिज्म समझे होंगे। हो सकता है इस मैच में बाला भाई को आगे भेजना भी कैप्टन कूल की स्ट्रेटजी का पार्ट हो। और एक क्लच को परफॉर्म करने में ये मैटर नहीं करता कि तुमने कितना डैमेज देके नॉक किया, मैटर ये करता है कि तुमने कितना कम डैमेज खुद लेके सामने वाले को नॉक किया, वही तुम्हें हेल्प करेगा इस तरह के क्लचेस को परफॉर्म करने में। अब बताना कमेंट्स में कि तुम क्लच का मैकेनिज्म समझने लगे हो क्या। और वैसे मैं और भी वीडियोस के माध्यम से तुम्हें क्लचेस और गेम सेंस के बारे में समझाता रहूंगा, तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लो, ताकि तुम उन वैल्यूएबल वीडियोस को सबसे पहले देख सको। और इस वीडियो का लाइक एम है 100 लाइक्स, आई होप तुम करवा दोगे। बाय। मैं न जानू कैसे आ गया हूं फॉर्म में, बिना फूके कैसे आ गया हूं जोन में, शायद चाहने वाले बड़े हैं अकाउंट में, तभी बम गा रहा हूं तभी तेरे फोन में।